सोमिया, सोमिया क्या हुआ है? बेटा मुझे समझ नहीं आता कि पप्पू मुझे इतना बुरा क्यों समझती है। आखिर मेरा कसूर क्या है? वहां जाने से मना किया था ना? आप भी चाहती हैं सोमिया, मोहब्बत इज्जत से बढ़कर नहीं होती। देखो मैं ना तुम्हें ये मिजरेबल लाइफ गुजारते हुए नहीं देख सकता, इसलिए प्लीज प्लीज ना कर दो। आपको ये सब कुछ अब भी याद आ रहा है? हाँ, मेरा आपसे सवाल है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? है आपके पास कोई जवाब? कैसे समझाऊं आप, कैसे बताऊं कि किन हालात में मैंने उससे निकाह किया था? मजबूर था, मैं उसे तहफ्फुज़ देना चाहता था, फिर उसने मुझे अपनी अदाओं का ऐसा आज़ीर किया कि मेरे दिल में उसकी जगह बन गई। मैंने कराची से ज्यादा इस्लामाबाद में वक्त गुजारना शुरू कर दिया, जबकि दादो बाबा अम्मी इन सबको लगता था कि मैं कारोबार के सिलसिले में इस्लामाबाद जाता हूँ, लेकिन असल में मैं उससे मिलने जाता था। अच्छा तुम रोना तो बंद करो माहिन, तुम्हारी वजह से नहीं रो रही, अपनी अम्मी की वजह से रो रही। मैंने कभी भी उनको तकलीफ ना देना चाहिए, लेकिन दे दी। मैं भी तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन पहुंचा दी। मुझे कोई तकलीफ नहीं हो, मैं ठीक हूं बिल्कुल। सॉरी माही, तुम्हें इतना कुछ सुनना पड़ रहा है, इतना कुछ सहना पड़ रहा है, अब और नहीं। बार बार ये कहना जरूरी है आपको? जरूरी है बार बार एहसास दिलाना, ये जाहिर करना कि मैं शाहजहां की पसंद की बीवी नहीं हूं? नहीं नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा, मैं तो बस जानती हूं मैं खाना, बस कर रहा। अफसोस हो रहा है ना आपको? सोच होता होगा ना अपने बेटे को ऐसे दुख में देखकर। आयत, मैं तुम्हारा इतना साथ देती हूँ फिर भी नहीं समझती हो तो? मैं नहीं समझती हूँ खाला, मैं नहीं समझती हूँ या आप नहीं समझती हैं? आपको जरा भी अंदाजा है कि कितनी अज़ियत से गुजर रही हूँ मैं? अंदाजा है आपको कितनी बेबसी होती है जब आपको जीते जागते दिन रात इस बात का एहसास दिलाया जाए कि आप अपने शौहर की पसंद की बीवी नहीं है, जबरदस्ती थोप दिया गया आपको उस पे। तरस खाना है ना तो अपने आप पर खाओ जीशान, रिश्तों की दौलत को ठुकरा के तुमने बहुत माल बनाया होगा, मगर फिर भी तुम बहुत तही दस्त नजर आ रहे हो। मैं मानता हूं कि मैं आप सबका मुजरिम हूं, आप सब मुझे कोसे हैं तुतकारे, लेकिन खुदा के वास्ते मुझे ये ना कहें कि आप लोगों का मुझसे कोई रिश्ता नहीं। दादी कम से कम आप ही मुझे समझे, मैं अपनी गलती के लिए ठोकर खा चुका, अब आप सबसे दूर नहीं रह सकता, प्लीज माफ कर दो।